नमस्ते आलू गोभी सस्ते। अगर आप लोग ने गेमिंग विद लेजेंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, बहुत अच्छी वीडियो बनाते। अच्छा तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया हो गए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो भाई लोग, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले कुछ अपकमिंग अपडेट्स के बारे में, और साथ ही साथ हम कवर करेंगे टू नाइट अपडेट के बारे में कि आज रात के 12 बजे गेम पे आप लोगों को कौन सा इवेंट देखने को मिल सकता है। सो इस वीडियो में गाइजर बेसिकली हम कवर करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉप अप इवेंट के बारे में कि गाइजर जो हमारे गेम पे आने वाले नेक्स्ट टॉप अप इवेंट, ठीक है गाइजर, उसमें गाइजर आप लोगों को कौन सा रिवॉर्ड्स देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ गाइज जो हमारा फ्री फायर प्रो लीग टूर्नामेंट है, आप लोगों को पता है अभी प्रो लीग टूर्नामेंट चल रहा है जहां पर गाइज उसके काफी कोड्स भी आ रहे हैं, तो गाइजर उसके रजिस्ट्रेशन रिवॉर्ड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और भी मजेदार अपडेट्स आप लोगों गाइजर इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो मेरी गाइजर आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर गाइज आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर सेट कर देना, ताकि गाइजर आप लोग को मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे, ठीक है, कि एडम का कच्चा कितना सस्ता होने वाला है, कब सस्ता, कब भाव में मिलने वाला है, सब चीज गाइजर आप लोग को इस प्यारी सी वीडियो में पता लग जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अच्छा तो गाइजर वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात जो गाइजर मैं आप लोग से करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा गाइजर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइजर मुझे बहुत दिनों से गाइजर कमेंट्स आ रहे थे इस टॉपिक में, मैंने कल सेकंड चैनल में भी बात की, लेकिन इसको मैं यार मेन चैनल में भी बात करना जरूरी था, ठीक है। तो गाइजर आप लोगों को पता ही आजकल एक टूर्नामेंट चल रहा है प्रो लीग इंडिया नाम का, तो उसमें गाइजर आप लोग देखोगे कि सारे जो टीम है, ठीक है गाइजर, जितने भी टीम है वो लगभग सब यूट्यूबर्स की टीम है, ठीक है। मुझे यार बहुत सब्सक्राइबर्स का कमेंट आता है कि भाई मैंने इतना मेहनत किया ई स्पोर्ट्स में, ये किया वो किया, मतलब मैं दिन रात गेम पे देता हूँ, उसके बाद भी इनकी टीम बेचारी लोग की क्वालिफाई नहीं हो पाती, क्योंकि गाइजर ये जो गरीना फ्री फायर है इतना स्कैमर है कि ये ई स्पोर्ट्स में भी गाइजर स्कैम करता है, मतलब ये लोग ई स्पोर्ट्स को भी फेयर नहीं बना सकते, इन लोगों को कुछ मतलब नहीं है, इन लोग कोई टीम भी गाइजर सही से नहीं लेते हैं, ठीक है। आप लोग देखोगे जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें आप लोगों को टोटल गेमिंग, देसी गेमर, बड़े बड़े यूट्यूबर की बस यार टीमें दिखती हैं, बस हो गया, ठीक है। चाहे उन लोगों को चाहे उन लोग क्वालिफाई करें या ना करें, लेकिन वही जो बेचारे आम ऑडियंस है उनको गाइजर क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे बंदे ऐसे यार जो अपना दिन रात दे चुके हैं, ठीक है, गेम पे। मेरे को पता है यार बहुत सारे आप में से हो, आप लोग अभी जो देख रहे हो वीडियो, क्या बताओ उनमें से भी कोई हो, क्योंकि बहुत सारे लोग का ड्रीम रहता है कि ई स्पोर्ट्स में ये करना है वो करना है, थोड़ा नाम बनाना है, ठीक है, मैं समझता हूँ गाइस, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है करना फ्री फायर के घटिया से गाइजर रूल के कारण बस यार हमेशा बड़े बड़े यूट्यूबर ही पहुंचते हैं, चाहे अगर तुम लोग पहुंच भी जाओ उसके बाद भी गाइजर तुम लोग नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि इन लोग कुछ ना कुछ कर देंगे, मतलब यार इन लोग का रूल इतना घटिया है ई स्पोर्ट्स के रिलेटेड, मतलब कोई भी बंदा गाइजर जा ही नहीं सकता। चलो यार मैं तो ई स्पोर्ट का ट्राई नहीं करता हूं, लेकिन मैं उन बंदों के लिए बोल रहा हूं जो बेचारे गाइजर दिन रात देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या इन लोग देखते हैं उनकी टीम तो कभी पहुंच ही नहीं पाती, हर बार भाई टोटल गेमिंग की टीम इसकी बड़ी बड़ी यूट्यूबर की टीम को भाई पता नहीं कौन सी सीट दी जाती है, वही हर टूर्नामेंट्स में मेरे को दिखती है, मतलब यार जो टीम को मैंने देखा है वही टीम बार बार दिखती है, हर बार गाइज यही होता है, आप लोगों ने खुद देखा होगा, मैं ऐसा झूठ नहीं बोल रहा, आप लोग खुद नोटिस करो, ठीक है। और क्या ही बोल सकते हैं, तो गरीना स्कैम इवेंट तक तो है ही, अपडेट तक तो है ही, सब चीज तक है, ठीक है, मतलब इवेंट में तो करती है स्कैम, अब यार ये जो ई स्पोर्ट्स है इसमें भी स्कैम करती है, मतलब एक जगह इसने यार स्कैम को छोड़ा नहीं है, मतलब गरीना का नाम तो भाई स्कैमर गेम होना चाहिए था, ठीक है, मेरे पता नहीं है क्यों फ्री फायर रखा है स्कैमर कुछ रखना चाहिए था इन लोगों का नाम, ठीक है। बाकी गाइस यार आपकी मर्जी, मेरे को यही कहना था, आप लोग यार मेरे समझते हो गए ये पॉइंट, यार जो बंदे ई स्पोर्ट्स खेलते हैं आप लोगों को पता ही होगा कितना अनफेयर होता है इन बेचारों के साथ, ठीक है। तो पहला जो अपडेट है ना वो गाइजर हमारे गेम पे आने वाले हमारे नेक्स्ट टॉप इवेंट के बारे में, तो गाइजर मैं आप लोगों को अभी कुछ टॉप इवेंट बताने वाला हूँ जो गाइजर हमारे गेम पे आ सकते हैं, जिसके गाइजर काफी हाई चांसेस है, ठीक है। तो पहला जो टॉप इवेंट है जो गाइजर हमारे इंडियन सर्वर पे आ सकता है, जिसके गाइजर सबसे ज्यादा हाई चांसेस बन रहे हैं, वो है गाइजर हमारा डी बेग करेक्टर। तो आप लोग ये पागल सा करेक्टर जो दिख रहा है, ठीक है, जिसके बाल वाल काफी अजीब है, आप लोगों को पता ही ये करेक्टर गाइजर कहा जा रहा था कि जब OB28 अपडेट आ रहा था, ठीक है, जब अपडेट्स में कि गाइजर ये करेक्टर आएगा, लेकिन अभी तक ये करेक्टर आया नहीं, पता नहीं इसको कहाँ सुला दिया गया है, इसको कहाँ यूज करके रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो करेक्टर है गाइजर आप लोगों का फाइनली कहा जा रहा है कि आप लोगों को टॉप इवेंट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि गाइजर अभी बहुत सारे सर्वर पे टॉप इवेंट में आ रहा है, ठीक है। और ये करेक्टर गाइजर आप लोगों को पता ही है, इसका करेक्टर का कुछ यार म्यूजिक से रिलेटेड है ये बंदा, मतलब जो भी है कुछ म्यूजिक से रिलेटेड है, जो भी है पता नहीं अब कहां का है। तो ये करेक्टर गाइजर आप लोग का आने वाला है, तो कहा जा रहा है कि ये इंडियन सर्वर पे भी टॉप इवेंट में देखने को मिल सकता है, काफी इसके हाई चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो टॉप इवेंट है वो गाइजर आप लोगों का डीबे करेक्टर है, जिससे गाइजर काफी हाई चांसेस बन रहे हैं। तो ये तो गाइजर हमारे डीबे करेक्टर के बारे में, ठीक है। अब यार जो दूसरा टॉप इवेंट है जिसके गाइजर काफी हाई चांसेस बन रहे हैं, जो गाइजर आ सकता है, वो गाइजर हमारा एक न्यू पेट है, ठीक है। तो आप लोग गाइजर OB28 अपडेट के टाइम पे गाइजर एक न्यू पेट भी दिखाया गया था जो गाइजर आने वाला है, तो आप लोग देख सकते हो जो डक टाइप का है, ठीक है। अब ये डक गाइजर आप देख सकते हो चश्मा वश्मा पहन के गाइजर काफी ओपी लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो आप लोग को जो पेट दिख रहा है ये गाइजर, ये भी कहा जा रहा है कि ये भी आप लोग को टॉप अप इवेंट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि गाइजर आप लोगों को पता है अभी तक ये दोनों चीजें गाइजर गेम के अंदर आई नहीं है, जबकि गाइजर इन दोनों
दोनों को आ जाना चाहिए था, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे करेक्टर ऐसे होते हैं जो गाइज यार बहुत बार टॉप इवेंट में आते हैं, ठीक है। करेक्टर हो गया, पेट हो गया, ये सब आइटम खरीदने वाले ज़्यादातर देते हैं, पेट वेट ये सब, ठीक है गाइज, क्योंकि ये बहुत सारे सर्वर पर अभी पेट करेक्ट टॉप इवेंट में आ रहा है, इसीलिए गाइजर इसके भी गाइजर काफ़ी हाई चांसेस बन रहे हैं कि ये गाइजर आप लोगों को नेक्स्ट टॉप इवेंट में देखने को मिलेगा, ठीक है। गाइजर जो तीसरा टॉप इवेंट जिससे गाइजर काफ़ी हाई चांसेस बन रहे हैं, ठीक है, वो गाइजर हमारा नट क्रैकर टॉप ऑफ इवेंट है, ठीक है। इसमें बेसिकली गाइजर आप लोगों को नट क्रैकर के इवेंट में बेस कुछ टॉप देखने को मिलेंगे, जैसे गाइजर इसमें आप लोगों का लूट बॉक्स है, आप लोगों का ग्रेनेड की स्किन है और ठीक है और बैकपैक भी है, तो ये तीन आइटम्स गाइजर आप लोगों को देखने को मिलेंगी इस वाले टॉप इवेंट में, ठीक है। अगर ये आया तो, क्योंकि आजकल ये सब जो मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत सारे सर पे आ रहे हैं, पेट हो गया, करेक्टर हो गया और ये नट क्रैकर टॉप ऑफ इवेंट का जो भी आइटम है, ठीक है, इसमें वही बताया आपको ग्रेनेड, बैकपैक और ये है। तो आप लोगों गाइजर कौन से इसमें आइटम अच्छे लगे, ग्रेनेड आप लोगों का इसमें सेकंड में, फर्स्ट में आप लोगों का लूट बॉक्स और थर्ड में बैकपैक है, ठीक है। बैकपैक 500 डायमंड्स का है, तो आप लोग बताओ गाइजर ये 500 डायमंड के लायक है कि नहीं। मुझे तो गाइजर लगा नहीं ये बिल्कुल भी 500 डायमंड के लायक का बैकपैक है, ठीक है। तो आप में से कितने बंदे गाइजर इसके लिए टॉप अप करेंगे, प्लीज गाइजर मुझे कमेंट में जरूर बताना अगर ये टॉप अप इवेंट आया तो, ठीक है। तो ये जो तीन टॉप इवेंट मैंने आप लोगों को बताया इनके गाइजर काफी हाई चांसेस बन रहे कि आप लोगों को नेक्स्ट टॉप इवेंट में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया गाइजर हमारे टॉप अप इवेंट के बारे में बात, अब बात करते हैं गाइजर हमारे गेम पे आने वाले नेक्स्ट अपडेट के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट अपडेट गाइजर हमारे गेम पे आने वाले कुछ न्यू गाड़ी की स्किन से, ठीक है। तो गाइजर अभी मैं आप लोगों को बहुत सारे गाड़ी की स्किन्स दिखाने वाला हूँ जो गाइजर आप लोगों को जल्दी गेम पे देखने को मिलेंगी थोड़े दिन बाद, मतलब यार बहुत सारी गाड़ी की स्किन्स है, ठीक है। सबसे पहले तो गाइजर आप लोग देख सकते हो ये वाली जो गाड़ी की स्किन आप लोगों को दिख रही है जिसमें गाइजर हमारे एडम भैया और कैली भाभी काफी अच्छे लगेंगे और बर्मुडा पे जब जाएंगे तो मतलब यार आलोक और क्रोनो तो चिढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो गाड़ी है ये काफी अच्छा है और ये एक और दूसरा गाड़ी जो यार गाड़ी आया वाला कचड़ा निकाल वाला गाड़ी जिसमें आप लोग पीछे कचड़ा भी रख सकते हो, ठीक है, ये वाली गाड़ी का स्किन आप देख सकते हो, ठीक है, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आप देख सकते हो स्ट्रीट फाइटर जो गाइजर आप लोग का गली के गुंडे से कोलेबरेशन हो रहा है तो उसकी गाड़ी ये वाली है, ठीक है, आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बताना। चौथी आप देख सकते हो मॉन्स्टर ट्रक की जो स्किन आने वाली है मैकलेरन पे बेस्ड है वाली, तो आप लोगों को पता है मैकलेरन से भी कोलेबरेशन है। इसके बाद पांचवी वाली देख सकते हो ये भी मैकलेरन पे बेस्ड है, आप लोगों का कोलेबरेशन ये स्किन भी आपको देखने को मिलेंगी। ये जो सारी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये बेसिकली आप लोगों को लूटने के लिए बनाई गई है, मतलब गरीना वाले आप लोगों को पता है ये लूटने के लिए सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्किन से गाइस गरीना वाले आप लोगों को बुरी तरह से लूटेंगे। गाइजर ये सारे जो स्किन है ये गाइजर आप लोगों को कुछ तो टॉप इवेंट में देखने को मिलेंगे, कुछ तो यार बहुत सारे खतरनाक डायमंड्स वाले इवेंट में देखने को मिलेंगे, जैसे गाइजर लोकेश भाई अंबानी, ज्ञान भाई अंबानी और सुनीता बहन अंबानी लोग ही पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो ये गाइजर सीन है सारे गाड़ियों के स्किन का जो मैंने आपको दिखा दिया जो गाइजर आप लोग को जल्द ही देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं गाइजर हमारे गेम पे आने वाले प्रो लीग टूर्नामेंट के प्री रजिस्ट्रेशन रिवॉर्ड के बारे में। तो गाइजर आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को पता ही अभी हमारा प्रो लीग टूर्नामेंट चल रहा है, ठीक है। अब इसमें गाइजर डेली गाइजर एक रिडीम कोड आ रहा है आजकल, ये तो आपको पता ही होगा, जिसको रिडीम कोड को लेके आप लोग अपने पॉइंट्स वॉइंट्स बढ़ाने, किसके पॉइंट्स बढ़ाने कल की वीडियो मैंने आपको बता दिया था, तो आप लोग ने अगर कल की वीडियो देखी नहीं तो जाके देख लेना। तो गाइजर अभी कहा जा रहा है ये जो प्रो लीग टूर्नामेंट है इसका फाइनल गाइजर आपको पता है 18 तारीख को, तो 18 तारीख को आप लोग को ओपी रिवॉर्ड्स मिलने वाले, ठीक है, मतलब जिसमें गाइजर आप लोग की लाइव स्ट्रीम होगी। आप लोगों को पता है कि 18 तारीख को आप लोग की लाइव स्ट्रीम होने वाली है जिसमें आप लोगों को लाइव देख के कुछ कोड वोड मिलेंगे आपको, जैसा कि पता यार डेली का वही है गरीना का, जब भी कोई टूर्नामेंट्स होता है तो कोई कोड देते हैं, ठीक है। अब गाइजर कहा जा रहा है इस बार जो फ्री फायर जो प्रो लीग इंडिया है इसका गाइजर प्री रजिस्ट्रेशन रिवॉर्ड भी आप लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। बेसिकली गाइजर इसमें आप लोग को प्री रजिस्टर करने का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है कहा जा रहा है, ठीक है। अभी तो लीक्स मिली है, फुल कन्फर्म नहीं है। अगर गाइजर कुछ ऐसा सीन होगा प्री रजिस्ट्रेशन रिवॉर्ड वाला तो मैं गाइजर आप लोग को बता दूंगा कि गाइजर प्री रजिस्ट्रेशन आ चुका है, आप लोग कर लेना। जैसे भी गाइजर आप लोग प्री रजिस्ट्रेशन सब करोगे तो आप लोगों को वो रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे जो भी गाइजर प्री रजिस्ट्रेशन में रिवॉर्ड आएंगे, ठीक है। तो प्री रजिस्ट्रेशन का गाइजर काफी हाई चांसेस बन रहा है क्योंकि यार बहुत सारे सर्वर पे आजकल टूर्नामेंट्स में प्री रजिस्ट्रेशन का सीन आ रहा है, ठीक है। इसमें उन लोग को प्री रजिस्टर करना पड़ रहा है और उसके बाद उन लोग को फ्री में रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये गाइजर सारा सीन है प्री रजिस्टर का, ठीक है। तो ये तो हो गया गाइजर हमारे फ्री फायर प्रो लीग इंडिया का प्री रजिस्ट्रेशन रिवॉर्ड के बारे में। अगर गाइजर आएगा आपका भाई तो आप लोग को सबसे पहले बता देगा, इसीलिए गाइजर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगर आप लोग उसमें लेट हो गए तो गाइजर आप लोग को शायद रिवॉर्ड्स भी ना मिले, उसका गाइजर नया लिंक भी आ सकता है, मतलब कहाँ कौन से वेबसाइट में प्री रजिस्टर होगा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका भाई आप लोग को डिटेल में बता देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया गाइजर प्रो लीग के बारे में। अब बात करते हैं हमारे टुनाइट अपडेट के बारे में कि आज रात के 12 बजे गेम पे आप लोग कौन सा इवेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखो गाइजर ये जो लीक्स है गाइजर अभी जो मैं लीक्स आपको बता रहा हूँ ये गाइजर बस 50% कन्फर्म है, 100% कन्फर्म नहीं है क्योंकि गाइजर देखो इतने जल्दी आप लोग कोई नहीं बताता, सारे बड़े से बड़े यूट्यूबर गाइजर आप लोग को 9:30 बजे बताते हैं रात में, ठीक है। वो भी गाइजर लोग इसलिए बता पाते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा सर्वर होता है, मतलब
यार आप लोग दूसरे सर्वर यानी आप लोग भी देख सकते हो सिंगापुर वाला सर्वर बना के 9:30 में सारे टुनाइट अपडेट आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी गाइस सुबह सुबह तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन मेरे को थोड़ी सी लीक्स मिले उस हिसाब से मैं आपको बता दूं। तो गाइस यार कहा जा रहा है कि आज रात के 12 बजे गेम पे आप लोगों को कोई भी इवेंट नहीं देखने को मिलेगा, काफी इसके हाई चांसेस बन रहे हैं कि आप लोगों को कोई भी इवेंट ना देखने को मिले गेम पे, ठीक है। तो अभी तक की लीक्स तो गाइस यही कह रही है, अब देखते हैं गाइस क्या होता है। अगर दिन पे मुझे कुछ पता लगा तो मैं दिन पे कवर कर लूंगा। तो अभी तक की लीक्स गाइस यार कहा जा रहा है नो टुनाइट अपडेट, आज का सीन ये है, ठीक है। तो यही गाइस यार आज की वीडियो में सारे अपडेट्स एंड लीक्स जो भी गाइस यार आए जितने मेरे को मिले मैंने आपको बता दिए। तो बस गाइस यार आज की इस वीडियो में गाइस यार इतना ही है। और गाइस यार एक और बात, अगर आप लोग ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, लिंक है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। और गाइस यार इंस्टाग्राम पे भी जरूर यार फॉलो कर लेना, ये दो काम कर लेना। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, तो बाय गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।